पंजाब दी सरकार ने वड्डा फैसला लिया। झोने की सीधी बिजाई करने वाले किसानों की मदद पंजाब दी सरकार करेगी। सब तो वड्डी खबर आने वाले बिजाई सीजन नू लेके आ रही है। सरकार के मुताबिक 1500 रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि पंजाब दी सरकार देगी। 20 मई ते किसान झोने की सीधी बिजाई शुरू कर सकते हैं। समा भी मुकर्र हो चुके हैं। मई महीने की 20 तरीक तो झोने की बिजाई पंजाब दे विच हो सकेगी। सीधी बिजाई तो भाव यह है कि ज़्यादा पानी की वरतों नहीं होंगी, क्योंकि झोना जिसनों के हज़ार लीटर पंजाब की धरती का पानी धरती की हिक पाड़ के बोरवैल के जरिए बाहर कढ़िया जाता है, पहला पानी की बर्बादी तो फिर दूजा बिजली की बर्बादी। इस करके सरकार ने उपराला किया कि सीधी बिजाई यानी कि बिना पानी तो इसकी की जा सकती है। नितिका मिश्री इस खबर से ज़्यादा जानकारी दी सांझ पुण के। नितिका, एक चंगा उपराला सरकार का मनिया जा सकता है, सरकार लगता है कि आने वाले समय च होर मुश्किलों टैकल इस तरीके कर पाएगी? नितिका, मेरी आवाज थोड़े तक आ रही है? लगता है साडा राबता नहीं हो सकिया, सो जुड़न की कोशिश असी करांगे। झोने की सीधी बिजाई लैके पंजाब की सरकार ने 1500 रुपए एकड़ देने का किसानों को मन बनाया कि जेकर किसान सीधी बिजाई करते हैं तो 1500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों के खातों के चैक के रूप में मिलेगी। 20 मई का समय कि किसान सीधी झोने की बिजाई कर सकते हैं। नितिका मोड़ साडे नाल जुड़ चुके हैं। नितिका, होर की जानकारी इस खबर से? देखो कृष्ण, धरती हेठला पानी जिहड़ा बचाउणा बहुत जरूरी है। पंजाब दी जे गल कीती जावे तां ज्यादातर जिहड़े एरिया ने ओह डार्क जोन दे विच ने, ते नाल ही जिहड़े एक्सपर्ट्स ने ओह कह रहे ने कि पंजाब कोल सिर्फ और सिर्फ 17 सालां दा पानी जिहड़ा है ओह रह गया है। इहदे चलदे पंजाब सरकार ने एक वड्डा फैसला जिहड़ा है ओह जरूर लिया है, ते कहा है कि झोने दी जिहड़ी वी जो भी सीधी बिजाई करेगा किसान उसकी सरकार मदद करेगी। 1500 रुपए प्रति एकड़ दी सहायता राशि जिहड़ी है ओह पंजाब सरकार देगी। नाल ही क्योंकि किसान चाहते थे कि जल्द तो जल्द सानू बिजाई करने की जी है परमिशन दी जाए, तो 20 मई तो किसान जोड़े ने झोने की सीधी बिजाई कर सकते हैं। यह बहुत जरूरी है जिस तरह से पहला कह कृष्ण, क्योंकि धरती हेठला पानी जोड़ा है बचाने की जरूरत है। पंजाब जोड़े किसान ने पहला ही पानी लैके लगातार कहते रहे हैं कि पानी चाहिए होंगे, पर क्योंकि इस वेल बहुत ज्यादा गर्मी भी होंगी है, मई जून के दौरान पानी की कमी का सामना जरूर जोड़ा किसानों करना पैदा है। पर पंजाब सरकार यह भी दस दी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसान जथेबंदियों के नाल मुलाकात भी की थी, इस नाल उदों भी जी किसान जथेबंदियों यह अपील की गई थी कि सीधी बिजाई जी की जाए, तो नाल ही कहा कि सरकार मदद करेगी। तो अज ऐलान जोड़ा वो पंजाब के मुख्यमंत्री वालों कर दिता गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों इससे बाइक भी जी जरूर दी गई। अनितिका, सीधी बिजाई के मायने बहुत वड्डे ने, एक तो पानी की बचत, पर लगता है कि किसान इस फैसले को मनन दे विच कोई झिझक नहीं करनगे? देखो पंजाब सरकार जिहड़ियां भी हुण तक जिहड़ियां भी पार्टियां सत्तां दे विच रहियां ने ओह कई तरह के फैसले लैंदियां रहियां ने। कृष्ण तुहानूं याद होगा पराली नूं लैके भी फैसला लिया गया सीगा कि पराली नूं साड़ो ना, असीं पराली नूं लवांगे या फिर मशीनां जिहड़ियां दवांगे, तां जरूर कई फैसले पंजाब सरकारां वल्लों लए गए ने, पर जमीनी हकीकत जिहड़ी है ओह बेहतर तरीके ना किसान दस सकते हैं कि यह पॉसिबल है या नहीं है। सीधी बिजाई करना कितना औखा है, भावें सरकार कह रही है कि असीं 1500 रुपए प्रति एकड़ की सहायता देवांगे, पर की यह सफिशियंट है या नहीं ये किसान बेहतर तरीके ना दस सकते हैं, क्योंकि पहला भी असीं जिस तरह कहा कि सरकारां फैसले लैंदियां आईयां ने, पर किसान जिहड़े ने ओह बेहतर इस तरीके दस सकते हैं, क्योंकि पराली के दौरान भी किसानों वल्लों कहा गया सीगा कि मशीनां भावें सरकार दावे कर रही है, खेती विभाग दावे कर रहे हैं कि असीं दे रहे हैं किसानों, पर किसानों का कहना है कि मशीनां जिहड़ियां ने ओह मिलदियां ही नहीं ने, जिहड़े जमीनी लैवल से जिहड़ियां है उत्थे मशीनां पहुंचदियां ही नहीं ने, तो कह सकते हैं कि किसान बेहतर तरीके ना दस सकते हैं कि यह पॉसिबल है या नहीं है कि 1500 रुपए। बिल्कुल, पर सब तो अहम सवाल इतने यह है कि किसान भीरों तुहानू पता ही है कि झोने की बिजाई का टाइम जिहड़ा नेड़े आ रहा है, तो यह भी पता है कि झोने करके साढ़े धरती के पानी का पद्धर जिहड़ा वह बहुत थले जा चुके हैं, बहुत डूंगा जा चुके हैं, रैड जोन च कई जिले आ चुके हैं। खेती के स्पैशलिस्टा ने बिजाई के 2-3 नवे तरीके कढ़े ने। जे आपां कद्दू ना करके जिहदे च पानी बहुत ज़्यादा लगता है
सीधी बिजाई करांगे जिदे विच पहला रौनी करके उस तों बाद जदों वत्तर आ गई वत्त आ गई जमीन तां उहनूं वाह के ते सुहागा मार के उस तों बाद सीधी बिजाई कर सकदे हो। अपने दोस्तां मित्रां नूं भी अपने रिश्तेदारां नूं भी सीधी बिजाई वाली फसल जिहड़ी है उहदे वल प्रेरित करो। जिहड़ा फैसला वड्डा पंजाब सरकार वल्लों इह है कि जिहड़ा किसान अपने खेत दे विच सीधी बिजाई नाल झोना लाऊगा उन्हूं 1500 रुपया पर एकड़ सहायता दी जाऊगी। मैं एक बार फिर दस दिना कि जिहड़े किसान झोने की फसल सीधी बिजाई राही करनगे उन्हां नूं 1500 रुपया पर एकड़ एक एकड़ का 1500 रुपया वित्तीय सहायता दी जाऊगी। तो 20 मई तो तुसीं सीधी बिजाई जिहड़ी है वह शुरू कर सकते हो। मेरी तुहानूं अपील है कि खुद भी अपने दोस्तां मित्रां नूं अपने गवांढियों अपने रिश्तेदारों सीधी बिजाई वाली फसल बीजण वल प्रेरित करो ताकि आपां धरती विचला पानी भी बचा सकीए झाड़ भी इहदा किसी भी पक्षों घट नहीं ते अगे कणक नूं भी इहदा फायदा हुंदा है क्योंकि कणक की जिहड़ी फसल है उहनूं सिलन रहिंदी है जिहड़ी उहदे नाल कणक की फसल जिहड़ी है उहदे च वी झाड़ दा वाधा हुंदा है। सो सीधी बिजाई करो ते 1500 रुपया पर एकड़ दी वित्तीय सहायता लो। सत श्री अकाल। मुख्यमंत्री ने सब तो वड्डा बयान दिता है कि 1500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब नाल सरकार किसानों के खातों च पाउण दा काम करेगी जेकर किसान सीधी बिजाई करते ने। सो पहला जिस हिसाब नाल झोने दी पौध जिहड़ी बीजी जांदी सी लगदी सी वह पहला जमीन च कद्दू करना पैंदा सी वड्डी मात्रा च पानी खेत च बिछाउणा पैंदा सी मोटरां चलदियां सी बिजली दी कंजप्शन सी धरती हेठला पानी भी लगातार जिहड़ा वह डूंघे हुंदा जा रहा सी। सरकार दा यह फैसला किसान किस लिहाज नाल देखदे है ये खुद किसान ही कुछ समय बाद बयानत कर सकते हैं।